महादेव है, चारों वेदों के ज्ञाता, स्वयं भगवान होकर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? कौन है वो जिन्होंने आपके हृदय को इस तरह रमा है कि आपको आपकी पत्नी की भी सुध नहीं? इसको भजते हैं आप? श्री राम को सर, मैं सदैव उन्हीं की कथा का स्मरण करता हूँ सर। श्री राम कौन है ये जो आपको आपकी पत्नी से भी प्रिय है? कौन है मेरे राम? क्या बताऊं सती तुम्हें कौन है मेरे श्री राम? उनकी कथा आनंद, उनकी गाथा आनंद, उनके गुण आनंद है। बस इतना समझ, संसार के योगी मुनि सिद्धि निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते, मैं उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति भगवान श्री राम का ध्यान करता हूं। सती, वो और कोई नहीं, संसार का दुख हरने के लिए मनुष्य का शरीर रूप धारण किए स्वयं भगवान विष्णु ही। भविष्य में भगवान विष्णु ही श्री राम का रूप धारण करेंगे और संसार का उद्धार करेंगे। मनुष्य का रूप धारण करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे मैं आदिशक्ति होकर भी मनुष्य रूप में जन्मी हूँ। दोनों में बहुत अंतर है सचिन, तुम्हें अपने आदिशक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी तो भगवान विष्णु मनुष्य के जीवन के सुख और दुख को झेलते हुए भी अपने स्वरूप को भूले नहीं है। तभी तो इस संसार में राम का नाम हर मोक्ष और सुख देता है। आपसे उनके लिए इतनी प्रशंसा सुनने के पश्चात अब मेरा मन भी उनके दर्शन को व्याकुल है। मेरे पति के मन को मोह लेने वाले श्री राम को मैं भी देखना चाहती हूँ, क्या ये संभव है महादेव? पत्नी की इच्छा का सम्मान करना पति का धर्म है सर। भगवान श्री राम के दर्शन मन की आंखों से ही हो सकते हैं। भगवान श्री राम के दर्शन मन की आंखों से ही हो सकते हैं। अपनी आंखें बंद करो। चली गई मेरी सीता। माता सीते, सीते, माता सीते, सीते। हे वृक्ष, तुम्हें तो मेरी सीता प्रतिदिन जल से सींचा करती थी, तुम ही बताओ
कहाँ है मेरी सीता? कौन ले गया उसे? वृक्ष कुछ तो बताओ। पक्षियों तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, कोई तो बताओ। इतना मना करने के बाद भी सीता मेरे संग वनवास के कष्ट उठाने चली आई। नहीं भैया, होनी तो होके ही रहती है। मैं अपना दोष होनी के सर नहीं मन सकता लक्ष्मण। मुझे सीता को वनवास के लिए लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं भैया, दोष केवल मेरा ही था। यदि सीता माता को मैं छोड़ के नहीं जाता तो उनका हरण ही नहीं होता। दोष मेरा ही। नहीं लक्ष्मण, तुम तो मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। ये भूल मेरी ही है जो मैं मारीच की माया समझ नहीं पाया और सीता के लिए स्वर्ण मृग का अखेट करने चला गया। और कोई मेरी सीता को ही ले गया। सीते 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 क्या हुआ स्वामी? आपकी आंखों में आंसू? राम कथा है ही दारुण सखी, बंजर हृदय में भी करुणा को उपजा देती है।